हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ गुलशन और आज का जो मेकअप लुक है वो बहुत ही इजी स्मोकी आई मेकअप लुक है। सो सबसे पहले जो है मैं स्टार्ट करूँगी मॉइस्चराइज़र से, और मॉइस्चराइज़र जो है वो है न्यूट्रोजेना का मॉइस्चराइज़र, और अभी मैं रिसेंटली यही यूज़ कर रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। और आफ्टर दैट मैं यूज़ करूँगी प्राइमर, और प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का प्राइमर। और उसे आपको बिल्कुल थोड़ा सा लेना है अपने हाथ पे, और जैसे कि मैंने लिया, और उसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेना है। आफ्टर प्राइमर जो है मैं यूज़ करूँगी अपना फाउंडेशन, और फाउंडेशन मैं काफ़ी टाइम से ये यूज़ कर रही हूँ, ख़त्म हो गया बट स्टिल थोड़ा बहुत इसमें बचा है, तो मैंने सोचा कि इसे अच्छे से जो है ख़त्म कर लूँ। तो मैंने यहाँ एक फ्लैट ब्रश लिया, और इस फ्लैट ब्रश से जो है मैं पूरे अपने फेस पे स्प्रेड कर लूँगी, और उसके बाद मैंने ये दूसरा वाला ब्रश लिया है उससे भी मैं अच्छे से जो है ब्लेंड कर लूँगी उसे अपने पूरे फेस पे। अब मैं करूँगी अपना आई मेकअप, और आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैंने कंसीलर लिया है और उसे अपने आईज पे लगाया और उसे क्लीन किया है। आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ ये अपना आईब्रो पेंसिल, और सो आईब्रो पेंसिल से मैंने अपनी आईब्रोज को जो है वो शेप दे दिया है। और उसके पीछे एक और ब्रश होता है जिस ब्रश से आप कॉम कर सकते हो ईजिली। और सबसे पहले मैंने लिया है ट्रांजिशन शेड, और उसे मैं अच्छे से जो है अपने दोनों आईज़ पे ब्लेंड कर दूंगी। और इस आई मेकअप में भी मैं सिर्फ दो शेड यूज़ करूंगी, तो दूसरा जो शेड है ऑफकोर्स वो ब्लू शेड है, और उसे भी मैं जो है अच्छे से जो है ब्लेंड कर लूंगी अपने पूरे आईज़ पे, दोनों आईज़ पे जो है इसी ब्रश की मदद से, बिकॉज़ ये ब्रश बहुत ही अमेजिंग है। और ये ब्रश जो है ये है मॉर्फी का ब्रश है, और ये ब्रश मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही इसका सेट मंगवाया था, ख़राब हो गया था मेरा एक पुराना सेट, तो इसलिए मैंने ये वाला नया सेट मंगवाया था। तो अगर आपने मेरी और वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा ये कौन सा मस्कारा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ये कौन सा मस्कारा है। सो हमारा आई मेकअप जो है वो हो चुका है, मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा आई मेकअप अब ज़्यादा पसंद नहीं रहा, पहले मुझे अच्छा लगता था तो मैं करती भी थी, एंड अब मैंने कंसीलर यूज़ कर लिया है और उसे अच्छे से जो है मैं ब्लेंड कर दूंगी। और आफ्टर दैट मैं जो है पाउडर यूज़ करूंगी मेबलिन का, और ये पाउडर जो है मेरा फेवरेट है, अगर आप मेरी बहुत सारी वीडियोज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा। तो मैं अब जो है बहुत ही कम यूज़ करती हूँ ये पाउडर ब्लशेज, अब मैं ज़्यादातर जो है मैं क्रीम ब्लशेज ही यूज़ करती हूँ, बट मैं इस लुक में पर्टिकुलरली भूल गई ना क्रीम ब्लश लगाना, तो फिर मैंने एंड में सोचा कि चलो कोई नहीं यही वाला लगा लेते हैं, मतलब पाउडर ब्लशेस ये भी अच्छे होते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरे को मैं प्रेफर करती हूँ वो वाले ब्लशेस इसलिए। आफ्टर दैट मैं यूज़ करूँगी ब्रॉन्ज़र, और उसे अपने फेस को जो है थोड़ा बहुत शेप दे दूँगी, एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर, एंड हाइलाइटर से अपने पूरे फेस को थोड़ा ग्लो मिल जाता है। एंड आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ ये लिप लाइनर, और ये मैंने थोड़ा सा डार्क लिप लाइनर यूज़ करा है, और उसके बाद मैं एक न्यूड लिपस्टिक यूज़ करूँगी इस लिप लाइनर के साथ। आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्राउन न्यूड लिपस्टिक, एंड उसके बाद मैं ये फिक्सर यूज़ करूँगी अपना पूरा मेकअप फिक्स करने के लिए। सो दिस इज़ हाउ द मेकअप लुक लाइक, मुझे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगा, बिकॉज इसकी आईज़ जो है वो ब्लू है, और ब्लू आईज़ मेरे को बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। और होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।